हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है महलीज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्रोपेगेंडा आप सुनते रहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, इसी तरह से एक और प्रोपेगेंडा ये भी चलाया जाता है कि इंडिया के सारे मुसलमान ही जिहादी हैं और सारे मुसलमान ही खराब हैं। खैर, अगर ये बात सही होती तो इतने सारे मुसलमान हैं इस दुनिया में, हम में से किसी ने नहीं बचना था। मगर आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो देखकर मुझे भी थोड़ी सी हैरत हुई। ये वीडियो देख के मुझे अच्छा इस वजह से लगा क्योंकि इससे देखकर ये पता चलता है कि ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा बहुत अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। एनीवेज गाइस, वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। डू यू थिंक दिस वाज जस्ट अनदर हिंदू वेडिंग इन केरला? वेल, थिंक अगेन। कि अगर आपको ये लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी हिंदू वेडिंग जो आम होती है तो आपको दोबारा सोचना चाहिए क्योंकि ये वैसी वेडिंग नहीं है। फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स अंजू एंड शरद्स वेडिंग हैज बीन द टॉक ऑफ द टाउन। व्हाई? बिकॉज दे गॉट मैरिड इनसाइड अ मॉस्क इन केरला फॉलोइंग ऑल हिंदू ट्रेडिशंस। ये कह रही हैं क्योंकि इनकी जो शादी है वो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बनी हुई है पास्ट कपल ऑफ वीक्स से, और वो इस वजह से है क्योंकि इनकी शादी हुई है एक मस्जिद के अंदर और इन्होंने सारी हिंदू जो रस्में हैं वो अपनी शादी में की हैं। On Sunday, wow, a lot of people inside the Cheruvalli Muslim Jamaat Mosque in Alappuzha. The bride's mother, who was struggling financially, had approached the mosque committee for help. ये कह रही है कि जो दुल्हन की माँ थी उन्होंने अप्रोच किया मस्जिद वालों को कि उनको उनके पास इतने पैसे नहीं थे तो मस्जिद वालों ने उनकी हेल्प की एंड या सो देयर वी आर हैविंग अ हिंदू वेडिंग इन अ मस्जिद। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। नॉट ओनली डिड दे गिव द ब्राइड 10 गोल्ड सॉवरिंस एंड रुपीज 20 लाख, दे ओपन द मॉस्क डोर्स टू होस्ट द वेडिंग। यानी उसको दुल्हन को उन्होंने 20 लाख भी दिए और जेवर भी दिया मेरे ख्याल से, और फिर लोगों को वहां पे खाना भी खिलाया मॉस्क ने। सारे यानी खर्चा मॉस्क ने, मस्जिद ने उठाया। अ मंडपम वाज सेट अप फॉर द सेरेमनी, अ प्रीस्ट रिसाइटेड द प्रेयर्स एंड द वेडिंग वाज फॉलोड नॉट बाय अ बिरयानी बट बाय अ फुल वेजिटेरियन सद्या फॉर 1000 पीपल। के वहाँ पे मंडप भी लगा और पंडित को ही बुलाया और इन्होंने बिरयानियाँ नहीं खाई, नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो सर्व किया गया। The wedding has become a symbol of communal harmony in these troubled times. वाकई में दुनिया में इतना हार्ड टाइम चल रहा है तो एक दूसरे की कम्युनिटीज को भी जो है हम दूसरों को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी और वो कर रहे हैं। ये वीडियो देखकर मुझे तो बड़ी खुशी हुई। चलो कुछ तो बेहतरी आ रही है, कुछ तो लोगों के अंदर इंसानियत जाग रही है। बस हम यही चाहते हैं आपसे, थोड़ी सी बस इंसानियत जगाएं, मिल बांट के रहें, और कुछ चाहते ही नहीं ना हम लोग तो। बस ये गले काटना, धमकियां देना, बस ये कहना कि भाई हम हैं, ये बस ये थोड़ा सा बंद कर दें। मगर आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट एक कदम किसी ने उठाया और ऑल द प्रॉप्स टू जो ये मस्जिद चलाते हैं जो बंदे थे, इनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आपने ये बड़ा अच्छा काम किया है। आप मुसलमान जो दूसरे आपको इस्लाम को बदनाम करते रहते हैं, खैर इस्लाम को तो छोड़ दें मगर मुसलमानों को जो बदनाम करते रहते हैं ना, तो आई थिंक यू आर अ ग्रेट पर्सन फॉर डूइंग दिस एंड हेल्पिंग देम आउट। एनीवेज गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक। बाय। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।